विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3 डिग्री अमाइन, तो इनमें से कौन सा अमाइन 3 डिग्री है? तो पहले तो अमाइन की डिग्री कैसे पता चलती है? डिग्री ऑफ नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो डिग्री ऑफ अमाइन होता अमाइन है। जैसे अगर मैं बोलूँ RnH2, R मतलब कोई कार्बन होगा तो ये 1 डिग्री अमाइन है, और अगर RnR-H, यहाँ पे नाइट्रोजन दो कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो ये डिग्री 2 डिग्री अमाइन है। Na(N)R1, R2, R3 ये 3 डिग्री अमाइन है क्योंकि नाइट्रोजन तीन कार्बन के साथ कनेक्टेड है। देखते हैं 1-methyl साइक्लोहेक्साइल अमाइन। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, 1-methyl ये बनेगा ना स्ट्रक्चर इसका, 1-methyl ये हो गया, 1-methyl साइक्लोहेक्साइल अमाइन, हालांकि इसका कॉमन नेम है ये, तो IUPAC नेम नहीं है इसका। ये इसका IUPAC नेम ये है N-methyl साइक्लोहेक्सेन अमाइन, ये इसकी पेरेंट चेन हो गई। तो और ये इसकी सब्स्टिट्यूएंट अमाइन का हो गया, अमाइन के सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखते हैं, एन एल्काइल, ये नेमिंग का तरीका होता है। नाइट्रोजन के साथ जो लगा उसको एन एल्काइल, तो एन मिथाइल फिर साइक्लोहेक्सेन अमाइन, ये नेम है इसका। खैर ये कितने डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री टू अमाइन है। डिग्री ट्राई इथाइल अमाइन ये भी इसका कॉमन कॉमन नेम है, सिर्फ एन सी एस थ्री या थ्री द हाइड्रोजन लगी तो कोई मतलब नहीं नहीं होता। नहीं मिथाइल हो गया ना, CH3 मिथाइल हो गया। ट्राई इथाइल अमाइन क्या होगा, ट्राई इथाइल अमाइन ये होगा ना, ट्राई इथाइल अमाइन। तो नाइट्रोजन तीन कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो थ्री तो ये डिग्री टर्शरी अमाइन है, ये कॉमन नेम है ट्राई इथाइल अमाइन। इसका IUPAC नेम क्या होगा, कोई भी इनमें से एक पेरेंट चेन मान लो आप, इसको मान लो पेरेंट चेन मान लो, तो एन एन डाई इथाइल इथेनामाइन ये नाम होगा इसका। टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन ये भी कॉमन नेम है, टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। कॉमन नेम सर सबके नहीं चाहिए आने की बात है, कॉमन भी आसान है किसी भी आसान है। देखो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना, उसके साथ अमाइन लग गया टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। ये कितने डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है। इसका IUPAC नेम भी हम कर लेते हैं, देखो नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3, तो क्या आएगा, 2-methyl मिथाइल। प्रोपेन 2-amine, ये नाम आएगा इसका। सो लास्ट जो होगा वो हमारे अगला क्या है, एन मिथाइल एनिलीन, ये इसका IUPAC नेम है एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन क्योंकि IUPAC एक्सेप्टेड है, ये एनिलीन होता है, ये एनिलीन है, इसमें एक नाइट्रोजन से एच हटा के मिथाइल लगा दे, तो एन मिथाइल एनिलीन, क्योंकि नाइट्रोजन दो कार्बन से कनेक्टेड है इसलिए 2 डिग्री अमाइन है ये।